नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुंद्रू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, जिसकी नाम है आईवी गार्ड, बिम्बी, टिंडोरा, काफ़ी नामों से जाना जाता है। देखिए इसके पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते से हम इसको पहचान सकते हैं और इसके फल से। फल लंबे से परवल के फल के तरह होता है, लेकिन इसके ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। और ये एक लतर है, ये पेड़ में या किसी जाली में या झाड़ी में ये लगा पाया जाता है। ये दो तरह के इसके होते हैं, एक तो है मीठी कंदरू और एक कड़वा कंदरू। तो मीठी कंदरू सब्जी के लिए यूज़ होता है, सब्जी बना के खाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, और ये कई तरह के बीमारियों से भी हमको निजात दिलाता है। और जो कड़वा कंदरू होता है वो उसका फल नहीं खाया जाता है, जबकि इसके जड़ कई बीमारी के ठीक करने में हम लोग को काम करता है। और इसके पत्ते के रस भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका बिच्छू काटता है वहाँ पे इसके पत्ते के रस पीस के लगा सकते हैं, आराम मिलता है। इसके जड़ से का प्रयोग हम लोग मधुमेह रोग के लिए कर सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए ये विशेष लाभकारी पौधे है। ये देखिए जाली में कैसे ग्रो करता है, और अगर इसको लतर है और किसी जाल में या नेट में या किसी सहारे में इसको लगा दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया चलता रहता है। ये बरसात में पाया जाता है, ये जंगली दशा में पाया जाता है कई स्थान पे। ये देखिए कुंदरू के फल है, फल को बीज से काटा गया है तो इसका बीज आपको दिख रहा है, और ये इसमें छोटे छोटे वाइट वाइट स्पॉट लगे हुए हैं और बीज आपको दिख रहा है। ये पका नहीं है, ये कच्चा स्थिति में है, लेकिन मैच्योर्ड हो गया है और ये पकने के पहले परिस्थिति में है। पकने में ये लाल कलर के हो जाते हैं, अभी आपको दिखाएंगे कैसे पकने में हो जाता है। ये देखिए ये पकने में नीचे से पकना शुरू करता है, ऊपर हरा है और नीचे लाल है। तो ये कुंदरू के पका हुआ फल है, ये कड़वे कुंदरू के फल आपको हम दिखा रहे हैं, और इसको काट के हम आपको दिखाते हैं। ये काटने से देखिए फट जा रहे हैं और इसके अंदर बीज है, और इसमें कोई खास स्वाद नहीं होता है पके हुए में, हल्का सा खट्टापन मीठापन रहता है। ये तीता वाला या कड़वा कुंदरू का फल। धन्यवाद।